तो गाइस यार मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और साथ में मेरा माइक भी ऑफ है। मैं अभी वीडियो एडिट करने के टाइम ये वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। ये थोड़ा पुराना वीडियो गाइस, मैं अभी बहुत दिनों से व्लॉग नहीं कर रहा था, ये तो सोचा बना लूँ। तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी उस दिन, मैं मुझे अपने काम से दूर के जाना था लेकिन हो नहीं पाया। तो गाड़ी यार अपने अपने चलते चलते ही बंद हो गई, पता नहीं क्या हो गया था, चल ही रही थी कि बीच में बंद हो गई। सोचा पेट्रोल नहीं, पेट्रोल थी उसमें बट फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा ट्राई किया, शायद बहुत टाइम तक खड़ी थी उसी कारण बंद हो गया होगा। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि चालू कर पाऊँ लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब इसको पता नहीं क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। भास्कर के साथ जाना था, उसको लेने जाना था लेकिन कॉल किया था तो बताया देखो भास्कर भी आ ही गया। इसको भी फ़ोन करके बताया था कि गाड़ी ख़राब हो गई है तो आ गया लेने मुझे। तो गाड़ी को ले जाते हैं ऑटो शॉप, रिपेयरिंग शॉप, उसको वहाँ पे रिपेयर करवाते हैं फिर निकलेंगे। यार वो तो अपनी बाइक से आया तो उसकी बाइक में ही चलेंगे। तो गाड़ी अपन खींचते खींचते ले जाते हैं, अब कर भी कह सकते हैं यार, गाड़ी बीच में ख़राब हो गई है तो खींचते खींचते ले जाएंगे इसको। तो आप देख लो गाइस ये दिन आ गया, अगर मेरे पास गाड़ी है लेकिन वो बीच में ख़राब हो गई तो भास्कर को कॉल करके बुलाना पड़ा। वैसे उसके साथ ही जाना था, उसी को लेने जा रहा था मैं, लेकिन मेरी गाड़ी बीच में ख़राब हो गई तो उसको कॉल करके बुलाया तो वो अपनी गाड़ी लेके आया। तो अभी वो मुझे ही खींच रहे हैं, तो जल्दी से गाड़ी को ऑटो शॉप लेके चलते हैं, वहाँ पे रिपेयरिंग करवाते हैं और दूर के चलते हैं। यार सिटी जाना था, वहाँ पे मुझे काम था कुछ, अपना RTO भी जाना है लाइसेंस बनवाने के लिए, तो एक काम वो भी हो जाएगा। हाथ में दर्द हो गया यार, क्या बताएं, 1.5-2 किलोमीटर से ऐसे खींचते खींचते आ रहे हैं। तो इसको जल्दी से ऑटो शॉप छोड़ते हैं, फिर हम लोग अपने काम के लिए निकलेंगे दुर्ग। अब भास्कर तो अपनी बाइक से आया तो बाइक में ही चलेंगे। बाइक ख़राब होने के बाद कैंसिल करके बस में जाने वाले थे लेकिन वो बाइक लेके आ गया तो बाइक से ही चलेंगे अपन। तो यार बाइक को छोड़ते हैं ऑटो शॉप पे, फिर हम लोग निकलते हैं, मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो हेलो गाइस, हम लोग फिर से, मैं सीधा ये व्लॉग दुर्ग से ही शूट कर रहा हूँ। सुबह बारिश हो गई तो हम लोग वीडियो बना नहीं पाए, तो अभी मैं दुर्ग में हूँ गाइस। आते वक्त का मैं वीडियो नहीं बना पाया, बारिश हो गई थी, तो मेरा काम भी 50% कंप्लीट हो गया। अब हम लोग RTO जा रहे हैं, RTO में काम है लाइसेंस बनवाने के लिए, तो RTO का काम करते हैं फिर घर ही निकलेंगे सीधा। मैं यार सुबह वीडियो नहीं बना रहा था, बारिश हो रही थी थोड़ा थोड़ा तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन गाड़ी ख़राब होने के बाद वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोग भी जानो यार मेरे साथ क्या क्या होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं मेरे साथ। तो अभी फिलहाल RTO चलते हैं, देन आपको मिलते हैं, क्योंकि RTO यार दोपहर का टाइम है, लंच का टाइम हो गया है, अगर लंच हो गया होगा तो फिर वेट करना पड़ेगा।
तो यहाँ से अपन सीधे RTO ही जा रहे हैं। तो यहाँ से अपने एक राइट लेना है, फिर थोड़ी देर बाद RTO का ऑफिस है, तो मैं RTO का वहाँ पे अपना लाइसेंस वाला फॉर्म फिलअप करवा के मिलता हूँ यार आप लोगों को, बस थोड़ी देर बाद है। मेरा लाइसेंस अभी तक बना नहीं है गाइस, मैं अभी अप्लाई करने जा रहा हूँ। और यार देखो ऐसी भीड़ पे ना रिएक्शन अच्छे आते हैं, अभी इनको देख लो भैया को क्या रिएक्शन था यार। हम लोग को ना रिएक्शंस, बाइकर्स को अगर व्लॉगर हैं रिएक्शंस मिल जाए तो फिर दिन ही बन जाता है, एक चेहरे पे अलग ही स्माइल आ जाती है। तो यार मैं RTO ऑफिस पहुंच ही गया, तो मैं आपको अपना लाइसेंस वाला फॉर्म फिलअप करवा के जल्दी मिलता हूँ। तो यार ये है अपना दूर का RTO ऑफिस जहाँ पे मैं अपना लाइसेंस बनवाने आया हूँ, लेकिन मेरा कुछ काम हुआ नहीं। 1-2 घंटे से हम लोग वेट ही कर रहे थे, सर्वर डाउन था जिसके कारण हमारा काम नहीं हुआ। तो यार अब सीधे घर ही चलते हैं, भूख भी लग गया था, बहुत टाइम से ऐसे ही रुके हैं, शाम के 4 बजने आ गए हैं, अभी तक घर भी नहीं पहुँचे हैं और लंच भी नहीं हुआ है अपना, तो हम लोग जल्दी घर चलते हैं यार। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं, सुबह जो मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ यही शेयर करना था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा तो RTO वाला भी काम नहीं हुआ, लाइसेंस का काम नहीं हुआ, मेरे फिर आना पड़ेगा, तो फिर अगर आऊँगा तो फिर आपके लिए और वीडियो बनाऊँगा गाइस। तो भाई लोग अभी हम लोग सीधे घर ही जा रहे हैं, बहुत भूख लग रही है, बीच में अगर कुछ मिलता है तो खा लेते हैं, सुबह से निकले थे बिना खाए अभी और शाम का टाइम हो गया, तो फिर चलते हैं गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से जल्दी 1K पहुँचाओ, और जितने भी ज़्यादा हो सके इतना शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि क्या कैसे लगा आपको वीडियो। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।